तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कल भी छुट्टी आज भी छुट्टी। वाह, इसको लग रहा है पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। इस ईंट को साइड में करता हूँ, वो देखो इस कूलर के दोस्तों कलर हो गया है, पापा जी ने कर दिया कलर। अब ये पूरा जाम हो गया है, पूरा नमक का पानी है, बोरवेल का पानी यूज किया जमीन का, यहाँ पानी खराब है। यहाँ निकाल देता हूँ ये निकल। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बस इतना ही से काम है। आपसे इससे ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रहा हूँ मैं। तो लोग स्टार्ट करते हैं। सब दोस्तों को हाय बोलो। हाय। बोलो कैसे हो? जुकाम हो गई इसको, रात को उल्टी हुई इसको, उल्टी हुई इसको, सुबह भी पानी पानी निकाला है, सुबह भी उल्टी करी है। ये चूहा आ गया देखो पिंजरे में। आज स्कूल की छुट्टी आपकी? अरे आज तो छुट्टी है, अब तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कल भी छुट्टी आज भी छुट्टी। हुआ दो छुट्टी, जांच के मजे हो गए यार। अभी जाएंगे इस चूहे को वो उस तरफ जंगल में छोड़ के आएंगे। चूहा बेचारा डरा हुआ है, लेकिन इसको लग रहा है पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला चूहे के साथ। चूहे को हम सिर्फ जंगल में छोड़ के आएंगे। तो फिलहाल जांशु सुबह सुबह जा रहा है जंगल, और चूहे को हमने कुछ इस तरह से ढक दिया है। जांशु क्या है इसमें? चूहा। क्या है? चूहा। इस चूहे को आजाद कर देंगे। हमने लास्ट टाइम भी चूहे को यहीं आजाद किया था, और इस बार भी चूहे को यहीं आजाद करेंगे। अब देखना चूहा निकल जाएगा। वो निकल गया, वो चला गया। जांशु के साथ सुबह सुबह फिर से काफी दिनों के बाद अच्छा काम हो गया। फिलहाल अब हम बढ़ रहे हैं आगे, इस तरफ है खेत, देखो गांव का एरिया, जंगल का एरिया है, और फिलहाल हमने चूहे को कर दिया आजाद। अब बढ़ रहे हैं आगे। जांशु के स्कूल के आज है छुट्टी, और जांशु आज करेगा मस्ती, देखते हैं कैसी मस्ती करता है। ये देखो इसकी मस्ती, ये देखो कैसे भाग गया। जल्दी से भागो घर की तरफ। जो दो ईंट है ना, ये दो ईंट के बिल्कुल बीच में एक चीज बैठा हुआ है, ये सांप या फिर मेंढक। इस ईंट को साइड में करता हूँ, वो देखो ये मेंढक फ्रॉग। पर ये जमीन गीली है, मॉइस्चर है, ठंडा है, ये वाला एरिया थोड़ा ठंडा है, इसलिए मेंढक यहाँ बैठा हुआ है। तो अपन इसको नहीं छेड़ेंगे। मैं खाली देख रहा था एक्चुअल में कि क्या चीज है ये मेंढक, और मैंने रख दिया वापस से ताकि ठंडे में ये रहेगा, अच्छे से रहेगा। वो देखो जांशु वो आ रहा है। जांशु को एक चीज दिखाएंगे, अब ये चीज दिखाएंगे। जांशु ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, क्या है? चूहा नहीं है, फ्रॉग। इस कूलर के दोस्तों कलर हो गया है, पापा जी ने कर दिया कलर, और जाली वाली नई जाली जो है वो हमने इसके अंदर फिट कर दी है। तो फिलहाल गर्मियों का टाइम है, और ये कलर इस कूलर में कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा कूलर पापा तैयार कर रहे हैं, सफाई चल रही दूसरे कूलर की, इधर बन रहा है खाना। ये देखो ये दूसरा कूलर है हमारा, इसकी सफाई चल रही है। देखो पापा जी लगे हुए हैं सफाई करने में, और ये जालियां मैंने, जो पुरानी जाली लगी हुई थी इसमें, वो मैंने निकाल दी। अब इसमें हम नई जाली फिट करेंगे, घास जिसको बोलते हैं वो हम इसके अंदर फिट करेंगे, पुराना घास। अब ये पूरा जाम हो गया है, पूरा नमक का पानी है, बोरवेल का पानी यूज़ किया जमीन का, यहाँ पानी ख़राब है। तो इसको मैं अभी दिखाता हूँ, रुको, ये इसको मैं यहाँ रख देता हूँ एक बार। और ये पुरानी जो कूलर की थी उसकी ये जाली निकाली है, देखो कैसे पपड़ी जैसे पूरी की पूरी एज इट इज़ निकल गई, कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है इसके अंदर। देखो ये नमक का पानी, केमिकल वाला पानी की वजह से पूरा जाम हो गया है, पूरा पपड़ी लगी थी, पूरा इतनी सारी मिट्टी लगी है, मिट्टी केमिकल। जमीन का पानी यूज़ करते थे कूलर के अंदर, तो जमीन का पानी में अभी क्या नमक बहुत ज़्यादा है, गर्मियों के टाइम में पानी का लेवल ज़मीन में नीचे चला जाता है, तो उस वजह से बिल्कुल खारा पानी आता है। लेकिन कूलर के लिए ठीक था, हमने ये सोचा, लेकिन लास्ट ईयर ये हमने यूज़ किया था, लेकिन इस बार हम ज़मीन का पानी यूज़ नहीं करेंगे, हम इस बार यूज़ करेंगे टैंकर का पानी। टैंकर का पानी मंगाएंगे और इस बार डायरेक्ट अच्छा पानी यूज़ करेंगे। ये फिलहाल इसकी ये जाली को निकाल देते हैं, ये जाली पूरी निकल गई, थोड़ा बहुत लगा हुआ है,
अब ये देखो, ये पूरा ये जो पुरानी घास थी तो पूरी टाइट हो गई है। इसको मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ये निकल गई। देखो ये पूरी घास है, ऐसी घास निकलती नहीं है, लेकिन केमिकल का पानी लगने से पूरा जबड़ हो गया। सारी घास मैंने यहाँ रख रखी है। अब इसमें से भी दिखाता हूँ मैं आपको कितना ख़राब निकलेगा। ये प्लास ले लिया फिलहाल, और ये देखो ये लेयर केमिकल लेयर है, ये सारी नमक का जो इसके ऊपर लगी थी ये सब निकल रही है। ये देखो ये कुछ इस तरह की पपड़ी वगैरह निकल रही है। ये देखो ये तीनों जाली हमने निकाल दी, साफ कर दी। पापा जी लगे हुए हैं, कूलर की सफाई चल रही है, इस तरफ बन रहा है खाना। अरे वाह, ये बेसन के गट्टे, और इधर मसाला तैयार हो रहा है, और ये धनिया, और फिलहाल खाना तैयार हो रहा है। और ये उबले हुए आलू, बॉयल आलू की सूखी सब्जी बन गई है। मम्मी जी लगे हुए हैं खाना बनाने के लिए, शुरू उस तरफ बर्तन धो रही है। ये है न्यू जाली, ये एक कूलर की जाली है, यानी तीन पट्टे इसके अंदर। इस जाली को हम इस कूलर में फिट कर देंगे। एक को मैंने इधर फिट कर दिया, अब फाइनली इस कूलर के अंदर ये तीनों जाली फिट हो जाएगी, और इस कूलर को हम लगाएंगे इस गैलरी के अंदर ताकि इस रूम के अंदर हवा आएगी। जाली को कर दिया फाइनली कूलर के अंदर फिट। मम्मी उधर देख रहे हैं, पापा जी भी उधर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इधर बहुत सारी कीड़ियाँ हैं, छोटी छोटी कीड़ियाँ हैं। ये देखो वो मेढक का छोटा सा बच्चा, वो कीड़ा, ये ईंट निकाल रहे थे सारी। कम से कम 6-8 महीने से ईंटें यहाँ पड़ी हैं, और इसी जगह कूलर लगेगा हमारा। देखो कितनी सारी कीड़ियाँ, बहुत सारी कीड़ियाँ इधर ऊपर इधर। फिलहाल ईंटें सारी निकाल दी। तो दोस्तों फाइनली ये कूलर हमारा यहाँ पर सेट हो गया है, साफ सफाई करके हमने ईंट का पिलर बना दिया है, और इस ईंटों के ऊपर हमने कूलर को कर दिया फिट। पानी डालेंगे और ये जाली लगाएंगे, और कूलर हो जाएगा स्टार्ट कुछ ही दिनों के अंदर। तो दोस्तों आज का व्लॉग अब यहीं एंड करेंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और वीडियो को करें लाइक। मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट न्यू व्लॉग में।